भारत के खिलाफ चीन की नई चाल। गलवान में सेना से हारे तो अब पानी के सहारे। ब्रह्मपुत्र नदी पर ड्रैगन की 8 बांधों वाली साजिश। ब्रह्मपुत्र पर चीन बांध बना रहा है या वाटर बम? क्या भारत को बाढ़ से डराना चाहता है चीन? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चीन अगर जमीन पर भारत के खिलाफ कामयाबी नहीं पा सका तो अब डैम के जरिए वो नई साजिश रच रहा है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी पर 8 बांध यानी कि डैम बनाने की तैयारी है, जिससे ये लगता है कि चीन भारत में सूखे की स्थिति पैदा करना चाहता है और यही एक बड़ी वजह है 8 डैम बनाने की। बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें इसी साल की हैं। चंद दिनों की मूसलाधार बारिश में पानी पानी हो गए थे असम और बिहार के कई शहर। जब चंद दिनों की बारिश में ये हाल हो तो जरा सोचिए, अगर कोई कई लाख क्यूसेक पानी जानबूझकर छोड़ दे तो कितनी बड़ी तबाही मच जाएगी। चीन से भी अब ऐसा खतरा सामने आ रहा है। तिब्बत में चीन की हरकतों से ड्रैगन की पानी वाली साजिश की गंध आने लगी है। आज तक ने गूगल अर्थ इमेज के जरिए पूरे इलाके का लेखा जोखा लिया तो सुदूर इलाके में डैम के जरिए चीन की चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। भारत के खिलाफ फ्लैश फ्लड की साजिश, डैम के पानी से डुबोने की साजिश, पानी का रास्ता मोड़कर सूखे की साजिश, भारत के खिलाफ ड्रैगन की खतरनाक साजिश। चीन की डैम वाली साजिश का खुलासा पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है। इन खुलासों में अब कुछ नई कड़ियां जुड़ गई हैं। अरुणाचल से सटे तिब्बत में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 8 नए बांध बनाने की रफ्तार तेज कर दी है। इन बांधों के बनने के बाद महज चंद किलोमीटर के दायरे में चीन के 11 बांध हो जाएंगे। ये 8 बांध 10 साल के भीतर तैयार हो जाएंगे। ये बांध बायु, जिक्सी, लांगटा, दापका, नांग, डेमो, नामचा और मैटोल इलाके में बन रही हैं। सैटेलाइट इमेज से जाहिर होता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जहां बांध बना रहा है वहां बहुत ज्यादा रिहायशी बस्तियां नहीं हैं। यहां की आबादी की बिजली की मांग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम से पूरी हो सकती है। फिर इतने बांध यहां क्यों बना रहा है चीन? इसके पीछे क्या है उसकी नीयत? सिर्फ बिजली तैयार करना या कोई और साजिश? बताया जाता है कि सुदूर इलाकों में इन बांधों का मकसद तिब्बत में बिजली तैयार कर चीन के मुख्य शहरों में भेजना है। यानी तिब्बत में बिजली तैयार होगी और चीन के दूसरे प्रांतों में उसकी सप्लाई होगी। लेकिन चीन जिस तरह चालें चलता है उसे देखते हुए आंख मूंद कर सिर्फ इस मकसद पर भरोसा करना मुश्किल है। इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इन बांधों को भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ताबड़तोड़ बांध बनाकर चीन इलाके में पानी को कंट्रोल करना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। चीन के साजिश को कामयाब होने दिया गया तो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर भारत के राज्यों में चीन अपनी मर्जी से कभी बाढ़ थोप सकता है तो कभी पानी का रास्ता मोड़कर इन इलाकों में सूखा ला सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर चीन जानबूझकर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बांध का पानी छोड़ दे तो भारत में भारी तबाही मच जाएगी। चीन पर शक यूं ही नहीं है, दरअसल वो डैम से खिलवाड़ भी कर रहा है। जांगमो डैम की सैटेलाइट इमेज देखिए। 2012 में जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 100 मीटर थी और 4 अगस्त 2020 को इसकी चौड़ाई 400 मीटर हो गई। जल स्तर में भी करीब
150 मीटर का इजाफा हुआ है। 10 किलोमीटर तक फैले इस बांध में 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितने बड़े पैमाने पर पानी पर कंट्रोल कर रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि महज 10 साल के भीतर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बड़े बांध बना चुका है। चौंकाने और खतरे वाली बात यह है कि ये तीनों बांध सिर्फ 24 किलोमीटर के दायरे में है। ये सभी बांध चीन के लोखा प्रांत में बने हैं। जानकारी यह है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर भी चीन नए नए बांध बनाने में जुटा हुआ है। 2700 किलोमीटर लंबे इस नदी पर जहां बांध बना रहा है, वहां से अगर ज्यादा पानी चीन की तरफ से छोड़ दिया जाएगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में वाटर बम जैसा हाल हो जाएगा। चीन इस पानी का इस्तेमाल इस समय सामरिक तौर पर करने में जुटा हुआ है। जानकारी मानते हैं कि चीन का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीन की डैम वाली साजिश पर सरकार की बेहद करीब से नजर है। इस पर दोनों सरकारों में बातचीत होती रहती है। सरकारी सूत्र इस खतरे से इनकार करते हैं कि चीन भारत में बाढ़ या सूखे का खतरा पैदा कर सकता है। लद्दाख में चीनी फौज के साथ जारी तनाव को देखते हुए चीन की एक एक हरकतों पर शक की गुंजाइश बढ़ गई है। खास तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी में बड़े पैमाने पर डैम निर्माण की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में तिब्बत में अपने बांधों के निर्माण में बहुत तेजी दिखाई है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र के पानी पर चीन नियंत्रण पा सकता है। यही कारण है कि सूत्रों का कहना है कि इन निर्माणों में हर गतिविधि पर भारत निगरानी बनाया हुआ है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से तेजी से चीन डैम का निर्माण कर रहा है और वो भी विकास के नाम पर, लेकिन यही डैम्स विनाश की तरह सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चीन के हुबई प्रांत में। चीन में बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरों में से एक है। जहां तक नजर डालिए पानी ही पानी। बाढ़ से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें चीन से अक्सर आती रहती हैं। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं, सैकड़ों गांव पानी में समाये हुए हैं, हर तरफ पानी का साम्राज्य। बाढ़ के ऐसे मंजर के लिए अमूमन चीन की सरकार मूसलाधार बारिश पर ठीकरा फोड़ती रहती है, लेकिन अब ऐसे रिसर्च भी सामने आने लगे हैं कि चीन के डैम विकास की जगह विनाश के बांध साबित हो रहे हैं। पिछले महीने चीन के हुबई प्रांत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट भी जारी करना पड़ा था। निचले इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि हुबई में बाढ़ के हालात मूसलाधार बारिश के अलावा यांगजी नदी के ऊपर हुबई में बना थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पैदा हुए। जी हाँ, थ्री गॉर्जेस डैम से पानी छोड़ने की वजह से पूरे इलाके में डूबने का खतरा पैदा हो गया था। जरा सोचिए, जितने बड़े पैमाने पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, वहाँ मूसलाधार बारिश से ऐसी स्थिति पैदा हो तो क्या होगा। यानी चीन के बांध एक तरह से टिक टिक करता हुआ वो बम है, जो कभी फटा तो विनाश का ऐसा सैलाब आएगा जिससे होने वाले नुकसान की कल्पना मात्र ही भयावह है। चीन सरकार के कई आलोचक इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आलोचकों का कहना है कि थ्री गॉर्जेस डैम वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। थ्री गॉर्जेस डैम का मकसद बाढ़ को काबू करना था, लेकिन ये बाढ़ काबू करने की जगह बाढ़ की वजह बन रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन विकास का मकसद सामने रखकर ताबड़तोड़ बांध बना रहा है, लेकिन क्या पता चीन के ये बांध भारत के लिए खतरे का सबब बन जाए। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।